हम सभी को पता है कि बहुत सारे सॉलिड्स खासकर मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इस लिहाज से सॉलिड्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर हो जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहा जाता है और दूसरा जो कि बहुत बुरा कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं मेटल्स जैसे कि कॉपर आयरन सिल्वर ये सब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है अगर कॉपर का एग्जाम्पल हम लें तो फिर हम ये पाते हैं कि कॉपर का कंडक्टिविटी होता है सिक्स इंटू टेन टू दावर सेवन इतना पर ओम पर मीटर यह जो यूनिट है पर ओम पर मीटर इस पर फिलहाल तो आप ध्यान ना दें फिजिक्स में आगे चल के जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे उस समय आप देखेंगे इसका असली मतलब क्या निकल के आता है अब सिर्फ नंबर पे ध्यान दें कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है सिक्स इंटू टेन टू दावर सेवन पर ओम पर मीटर काफ़ी ज्यादा होता है बहुत ज्यादा होता है ये नियरली होता है ये होता है 5.96 के आसपास सो इट इज़ नियरली सिक्स इंटू टेन टू द सेवन पर ओम पर मीटर डायमंड करंट का बहुत बुरा कंडक्टर होता है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है नियरली नियरली 10 टू द पावर निगेटिव इलेवन से लेकर इतना से लेकर 10 टू दावर निगेटिव एटीन पर ओम पर मीटर ये बहुत बुरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का सो so, कंडक्टर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स होता है जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है वेरी गुड वे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या मैं कह दूँ वेरी हाई वेरी हाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकता है और इंसुलेटर वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट वो कैरी कर सकता है और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच होता है फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम इन्हें हम सेमी कंडक्टर मटीरियल्स कहते हैं सेमी मतलब आधा सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर इसका जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी होता है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच होता है ये जो जर्मेनियम है जर्मेनियम का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज नियरली नियरली वन वन पर ओम पर मीटर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच का होता है इन बिटवीन इन बिटवीन कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है दोनों के बीच में होता है रफली कहा जाए तो कंडक्टर्स का नॉर्मली कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी होता है 10 टू पावर फोर से लेकर 10 टू पावर सेवन पर ओम पर मीटर तक और जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है टेन टू द पावर नेगेटिव टेन से लेकर टेन टू पावर नेगेटिव ट्वेंटी इतना पर ओम पर मीटर और जो सेमीकंडक्टर्स होता है इनका जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन्हीं के बीच में होता है टेन टू द पावर नेगेटिव टेन से लेकर टेन टू पावर फोर पर ओम पर मीटर के बीच में ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल्स होता है आगे चल के हम इस इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे और ट्वेल्थ के अंतिम भाग में फिजिक्स के अंतिम भाग में जाकर आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है वहाँ पर आप डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ निकल के आता है अगर इसमें इम्प्योरिटी डाल दिया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ये बिहेव करने लगता है तो आज का इस वीडियो का जो जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड में आता है जो ये वाइड रेंज का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स में ये जो वाइड रेंज है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में या कंडक्टिविटी में ये वाइड रेंज आता क्यों है क्या रीजन है कि कुछ सॉलिड्स कंडक्टर जैसा बिहेव करता है कुछ इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और कुछ सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करता है इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है तो इसके पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंड एनर्जी बैंड सो सो यहां से यहां से हमें थोड़ा बहुत बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे और उसके बाद उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमें जानना है कि जो बैंड है एनर्जी बैंड है वो क्या होता है सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर सिंपल एटम का मॉलिक्यूल हम देखें तो वो है हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम है ये इसका न्यूक्लियस है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डिपिक्टेड है सो so, एक प्रोटॉन होता है अगर प्रोटियम की बात करें हाइड्रोजन वन की बात करें तो एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन इसके 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 ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है तो ये तो हाइड्रोजन एटम हो गया अगर इस हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल देखें अगर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक एस ऑर्बिटल है सो वन एस ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है अब जब ये बॉन्ड बनाता है दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ एक दूसरा ही हाइड्रोजन एटम जब इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है तो उस समय क्या होता है उस समय ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है सो सो यहाँ पर दो एटम्स मिलकर बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहां पर दो एनर्जी लेवल्स होता है एक को बॉन्डिंग और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं वेल well, यहां पर यही जो वन एस ऑर्बिटल्स था यहां पर एक वन एस ऑर्बिटल और यहां पर दूसरा वन एस ऑर्बिटल ये वन एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्रिट हो गया लेकिन यहां पर जब ये अटोमिक अटोमिक फॉर्म में था उस समय इसका सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल था लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ वैसे ही ये जो वन एस ऑर्बिटल है यही वन एस ऑर्बिटल दो क्लोज एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर गया तो यहां पर ये 1s ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर गया जब भी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बनता है उस समय एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो जब जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है तो दो एनर्जी लेवल्स में जो वैलेंस ऑर्बिटल है ये वैलेंस ऑर्बिटल ये जो है ये स्प्लिट कर जाता है एनर्जी लेवल्स में अलग अलग एनर्जी लेवल्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में बड़ा ही क्लोज होता है इनके बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है ये एनर्जी लेवल बड़ा ही क्लोज होता है यहीं पर जो लोअर लोअर एनर्जी लेवल होता है जिसे कि हम हम बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल एनर्जी लेवल कह सकते हैं उसी में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उसी में रिसाइड करता है पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इस तरह से दो अलग अलग स्पिन वाले दो अपोजिट स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कम वाले एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करता है जब ये भर जाता है फिर ऊपर वाला एनर्जी लेवल भरता है तो तो ये मॉलिक्यूलर तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी लेवल जो है ये स्प्लिट कर जाता है और ये हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो कि गैसेस स्टेट में रहता है लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जो मेन मुद्दा है हमारा मेन मुद्दा सॉलिड्स का है तो अगर सॉलिड्स का केस देखें तो सॉलिड जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो वहां पर दो एटम्स एक साथ नहीं रहता बल्कि करोड़ों करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ रहता है बिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ रहता है अब अगर दो एटम मिलने से एक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल दो पार्ट में स्प्लिट कर जाए तो फिर अगर अरबों अरबों बिलियंस ऑफ ऑफ एटम्स अगर एक साथ आए और क्रिस्टल बनाए और एक दूसरे को सारे एटम्स अगर इन्फ्लुएंस करें तो उस सेंस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी लेवल बिलियंस ऑफ पार्ट्स में टूट जाएगा सो यहीं से आता है बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट बैंड थ्योरी बैंड थ्योरी हम एग्जाम्पल लेंगे फिलहाल तो चलिए एक सिंपल सा एलिमेंट का बना क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम वेल सोडियम का अगर आप एनर्जी लेवल देखें तो इसका वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है और वो रहता है 3s ऑर्बिटल में सो सोडियम सोडियम हमें पता है कि इसमें इसमें 11 प्रोटॉन्स होता है और 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ऐसे में अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये इसका न्यूक्लियस है सोडियम का और 1s ऑर्बिटल 2s और 2p ऑर्बिटल्स एक ही एक ही साथ में एक शेल के तौर पर इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो 3s ऑर्बिटल है यही इसका वेलेंस ऑर्बिटल होता है और यही बॉन्ड बनाने में रेस्पॉन्सिबल होता है 3S एस ऑर्बिटल और इस 3S एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसे हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ऑब्वियसली ये जो 1S है इसमें दो और 2S में दो और 2P में छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप गिन के देख ले आपको 11 मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स वेल well, तो यहाँ पर 3s का ये जो इलेक्ट्रॉन है यही रेस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड बनाने में और ये जो 3s ऑर्बिटल है यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है और बॉन्ड बनता है जिससे कि ये सोडियम एटम क्रिस्टल बनाता है अगर सोडियम एटम का सिंपल एटम का हम एनर्जी लेवल्स देखें तो ये 1s ऑर्बिटल होता है ये टू एस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल होता है और टू पी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इसी का बहुत क्लोज होता है और फिर थ्री एस 3s थ्री एस ऑर्बिटल और यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है या, या ये जो ये जो एनर्जी लेवल है यही स्प्लिट करता है और जो वेलेंस वैलेंस शेल है या वेलेंस ऑर्बिटल है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है अब देखिए जब जब दूसरा सोडियम एटम आएगा ये एक सोडियम एटम है और ये दूसरा सोडियम एटम हम मान रहे हैं ये क्रिस्टल बना रहा है सोडियम सो तो दूसरा सोडियम एटम यहाँ पर आया एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस किया ये वेलेंस शेल जो है ये इन्फ्लुएंस किया और ये बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हम सिर्फ ध्यान देंगे ये जो वेलेंस ये जो वेलेंस एनर्जी लेवल है इसमें क्या हो रहा है इसी पर हम ध्यान देंगे क्योंकि यही जो है यही बॉन्ड बनाता है वेल well, तो यहाँ पर जब दो एटम्स मिल रहा है एक साथ करीब आ रहा है तो ये जो 3s एनर्जी लेवल है ये 3s एनर्जी लेवल दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट कर गया अब हम क्या मानते हैं कि चलिए तीसरा एटम भी यहाँ पर आ गया तीसरा एटम यहाँ पर आया तो तीसरा एटम आने से यही जो है तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा यही एनर्जी लेवल तीन अलग अलग पार्ट्स में इसी तरह से चौथा एटम आया तो क्या हुआ ये एनर्जी लेवल चार पार्ट में टूट गया और फिर पाँचवा छठा सातवा इस तरह से बहुत बहुत सारे सोडियम एटम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा क्योंकि आप देखिए एक एटम बगल वाले एटम को इन्फ्लुएंस करेगा जो कि उससे पहले ही इससे पहले वाले एटम से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है हो चुका है वो उससे पहले वाले एटम से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है वो उससे पहले वाले एटम से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है तो इस तरह से ओवरऑल बहुत बहुत सारे एटम्स मिलके जब क्रिस्टल बनाता है तो जो वेलेंस ऑर्बिटल होता है वो सारे के वेलेंस ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो सभी मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम बात करें उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर जाता है बहुत कम होता है इनके बीच का गैप तो इस तरह से इस तरह से आप ये पाएंगे कि यहाँ पर हमें अलग अलग इस तरह से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ना मिलके लगभग लगभग एक बैंड जैसा यहाँ पर मिलता है जिनके बीच का एनर्जी लेवल्स जो है ये एनर्जी लेवल का गैप जो है बहुत कम होता है मतलब स्पेसिंग जो है ये स्पेसिंग बहुत क्लोज होता है ये एक मुद्दा है दूसरा मुद्दा ये है कि दो इन्फ्लुएंसिंग एटम्स जितना क्लोज आता है मान लें दो एटम्स का जो ये वेलेंस वेलेंस ऑर्बिटल है बाहर वाला ऑर्बिटल है ये एक दूसरे को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है जस्ट इन्फ्लुएंस करना शुरू किया है तो यहाँ पर जो एनर्जी जो अलग अलग एनर्जी लेवल बनेगा ये अलग अलग एनर्जी लेवल के बीच का गैप जो है ये गैप बहुत कम होगा अंदर का गैप इन दोनों के बीच का गैप कम होगा लेकिन ये जितना क्लोज आते जाएगा एक दूसरे के जितना क्लोज आते जाएंगे जैसे कि ये वाला इस तरह का एग्जाम्पल देखें, बहुत क्लोज आ गया अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो गैप है ये गैप थोड़ा बढ़ जाएगा एनर्जी लेवल का ये जो गैप है ये गैप कम ना होके थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ का गैप So, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत 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 सारे एटम्स मिलके जो क्रिस्टल बना रहा है उस क्रिस्टल में जितने एटम्स होंगे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए या क्रिस्टल में जितने एटम्स होंगे तो ये जो एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग है वो उतने पार्ट्स में होगा उतने अलग अलग एनर्जी लेवल में ये टूट जाएगा और एटम्स जितने करीब होंगे ये जो बैंड जैसा बन रहा है उस बैंड का वेडथ उतना ज्यादा होगा अब इस लॉजिक से देखा जाए तो हमें अलग अलग तरह के सिचुएशंस मिलेंगे जैसे कि हो सकता है कि किसी एक एलिमेंट या मटेरियल कह ले उसके केस में क्या हो रहा है जो वेलेंस बैंड है मतलब जो वेलेंस ऑर्बिटल सारे मिलकर बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया है उसके कारण वो जो बैंड जैसा प्रतीत हो रहा अपीयर हो रहा है तो वो बैंड उसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ चलिए ये है वो बैंड एनर्जी बैंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेलेंस ऑर्बिटल के मिलने के कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी बैंड तो इसे हम वेलेंस बैंड कहेंगे वेलेंस बैंड अब इसके ऊपर वाला जो बैंड होगा इसके ऊपर वाला मतलब जैसे कि अगर सोडियम का ही केस कंसीडर कर ले तो ये पहला शेल ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल जो कि वेलेंस शेल है अब इससे ऊपर भी तो शेल्स हैं जैसे कि चौथा पांचवा छठा भले ही उसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स न रहे लेकिन एक्साइटेड होगा तो उन्हीं एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन जाता है अब देखिए जब दो एटम्स करीब आते हैं तो तीसरा तीसरा जो ये शेल है ये ओवरलैप करने से पहले ही पांचवा चौथा छठा सातवा ये सारे जो शेल्स है ये उससे पहले ही ओवरलैप कर रहा है जो पहले ही ओवरलैप कर रहा तो उसके भी तो अपने एनर्जी लेवल्स थे वो भी तो स्प्लिट कर रहा था तो वो भी स्प्लिट करके बैंड बनाता है तो यहां पर यहां पर उस बैंड को इससे ऊपर वाले बैंड को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूँ इससे ऊपर वाला ये बैंड जिसमें कि जो कि वेलेंस ऑर्बिटल के कारण नहीं बना हुआ बल्कि उसके ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के कारण बना हुआ है जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता है वेल well, एक सिचुएशन हो सकता है कि इन दोनों के बीच एक गैप रहे मतलब एनर्जी लेवल्स में इन दोनों के बीच एक गैप हो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बैंड्स जो है मैं थोड़ा सा कलर यहां पर चेंज कर देता हूं तो हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि वेलेंस बैंड जो है वेलेंस बैंड और इसके ऊपर वाला जो बैंड है इसके बीच कोई गैप ना हो बल्कि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो जाए इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो जाए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है क्योंकि जितना वो करीब आते जाएगा बैंड जो है ये यह बढ़ता जाएगा बढ़ते 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 हो सकता है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इससे ऊपर वाला बैंड इसके साथ ओवरलैप कर रहा है क्योंकि इससे पहले वाला जो बैंड है उसका इंटरेक्शन उससे पहले ही शुरू हो गया था जैसे ये थर्ड थर्ड बैंड की बात करें ये अगर फोर्थ बैंड है या फोर्थ शेल के कारण बना हुआ बैंड है तो फोर्थ अगर थर्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है तो उससे पहले ही फिफ्थ फोर्थ के साथ ओवरलैप कर चुका होगा क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन है फिफ्थ का जो इंटरेक्शन है दो एटम्स के बीच का फिफ्थ शेल का इंटरेक्शन वो पहले ही हो चुका होता है और उसका वाइडनिंग पहले से होना शुरू हो जाता है तो तो मोस्ट most, मोस्टली ये जो पहला वाला बैंड है ये भी ये भी इसके साथ ऑलरेडी ओवरलैप्ड हो चुका होगा अगर फोर्थ बैंड थर्ड बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आगे ये काम आएगा अब देखिए ऐसे केस में क्या होता है इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है देखिए मान ले कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स में क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स पे रह सकता है ग्राउंड स्टेट में भले ही अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना हो लेकिन एक्साइटेड होने से यहाँ पर पहुँच सकता है तो इन जगहों पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को इन एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले सफिशियंट एनर्जी मिले तो ये जंप करके यहां पर पहुंच सकता है और यहां के केस को अगर आप देखें इस वाले केस को अगर देखें जहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है ओवरलैपिंग वाले केस में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए सफिशियंट जंप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इस वेइलेंस ऑर्बिटल में था जो बॉन्डेड ऑर्बिटल में था यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसके पास क्लोज स्टेप्स अवेलेबल है क्योंकि दो बैंड्स जो है ये बैंड्स ओवरलैप कर चुका है बैंड्स ओवरलैप करने के कारण ये बड़े आसानी से ऊपर वाले बैंड में पहुंच सकता है क्योंकि हर बैंड में जो एनर्जी लेवल्स है वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करता है मतलब दो लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है यहां पर देखिए एक सफिशियंट गैप मौजूद है इसे इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाना होगा मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी होना होगा इस गैप को जंप करने के लिए तब जाके इलेक्ट्रॉन निचले वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जा सकता है इस जगह को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉरबिडन फॉरबिडन एनर्जी गैप एनर्जी गैप क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता और रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल यहाँ पर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह नहीं सकता ये रीजन जो है ये रीजन जो है फॉरबिडन है इसीलिए इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है सो so, इलेक्ट्रॉन को निचले वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जाने के लिए एक सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो कि इस वाले केस में जो है नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से ऊपर वाले बैंड में जा सकता है क्योंकि क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स है तो धीरे 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 स्टेप वाइज ये ऊपर चढ़ते जाएगा और ये थर्ड से अगर फोर्थ बैंड में जा सकता है तो फोर्थ से फिफ्थ में भी जा सकता है क्योंकि फिफ्थ भी ओवरलैप्ड हो चुका है फोर्थ के साथ वहाँ से सिक्स में इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है बस यही जो है यही कॉन्सेप्ट है एक इंसुलेटर का कंडक्टर का और और जो जो सेमीकंडक्टर है इनके बीच के डिफरेंस का यहाँ से देखिए अगर अगर एक सिचुएशन मैं ये ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर कि वेलेंस बैंड जो है हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसे अगर हम वेलेंस बैंड कहते हैं ये अगर वेलेंस बैंड हुआ तो इसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड इसके ऊपर वाले बैंड को तो यहाँ पर अगर वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होता है मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से फ्री हो सकता है तो ऐसे केसेस में ये जो है ये जो ओवरलैपिंग है ऐसे केसेस में हमें जो सॉलिड मिलता है वो बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो सकता है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेन रीज़न होता है तो जब ओवरलैपिंग होता है तो उस समय हमें जो सॉलिड मिलता है ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है और ऐसा हो सकता है कि इनके बीच का जो गैप है ये गैप ये हो गया कंडक्शन बैंड माफ कीजिएगा वेलेंस बैंड और और ये हो गया कंडक्शन बैंड इनके बीच अगर बहुत ज्यादा गैप हुआ ये जो गैप है ये अगर ह्यूज हुआ तो फिर उस समय हमें मिलता है इंसुलेटर इंसुलेटर एक एग्जाम्पल लेते हैं डायमंड का एग्जाम्पल हमने लिया था तो डायमंड के केस में इन केस ऑफ डायमंड ये जो एनर्जी गैप होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप ये एनर्जी गैप लगभग लगभग सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है बहुत ज़्यादा माना जा जाता है इसे और और अगर इन दोनों बैंड्स के बीच ये वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनके बीच का गैप अगर बहुत कम होता है तो फिर तो फिर इसे माना जाता है सेमीकंडक्टर। हमने जर्मेनियम का एग्जांपल लिया था तो जर्मेनियम में जर्मेनियम में जो ये बैंड गैप होता है ये लगभग लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है सिलिकन भी एक सेमीकंडक्टर है उसमें ये बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो ये इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के सिचुएशन में जब बैंड गैप कम होता है तो हमें सेमी मिलता है सेमी कंडक्टर मतलब सफिशियंट एनर्जी अगर इसे मिले थोड़ा सा एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट कर सकता है लेकिन इंसुलेटर के केस में इसे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तब जाके ये कंडक्शन बैंड में जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर पाएगा इसीलिए जो इंसुलेटर होता है बैड कंडक्टर्स होते हैं उसमें अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करें अक्रॉस द कंडक्टर तो बहुत 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 कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो करता है जो कि नेगलिजिबल होता है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस मेजरेबल नहीं होता है बहुत बहुत कम होता है एक नॉर्मल डिवाइस से मेज़र नहीं किया जा सकता और उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन्स नहीं होता इसीलिए हम मानते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता ही नहीं है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है बहुत कम अमाउंट में नेग्लिजेबल अमाउंट में होता है सफिशिएंट एनर्जी मिले तो फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है वेल well, तो यहां पर ये यह जो सेमीकंडक्टर है इस सेमीकंडक्टर के जो बैंड्स है जो जो वेलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच जो कम डिस्टेंस है इसके कारण इसमें इंटरेस्टिंग बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ जब इसमें इंप्योरिटी मिला दिया जाता है सेमी में तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है ऐसा क्यों होता है कि ये अच्छा कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का इंप्योरिटी मिलाने से इसी के बारे में अभी हमें देखना है तो यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ तीन क्रिस्टल्स देख रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का ख़ास बात यह है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स होता है और ग्रुप 14 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी यही है कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये होता है चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है ये होता है फोर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर मटीरियल है जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर मटीरियल है तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन चार होने के कारण जब ये क्रिस्टल बनाता है तो उस समय एक एटम जो है ये अपने आसपास के चार एटम्स के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है तो चार इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया वेलेंस इलेक्ट्रॉन और चार ये बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और अपना जो ऑक्टेट है इस ऑक्टेट को ये फुलफिल करता है तो ये हो गया प्योर ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर इन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं प्योर या इंट्रेंसिक प्योर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जिसमें कि कोई इम्प्यूरिटी नहीं है और सारे एटम्स जो है चार चार को वेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल है काफी स्टेबल है अब क्या होता है इसमें अगर किसी तरह का इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है फॉर एग्जांपल ये एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ही है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इंप्यूरिटी मिलाया गया एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये सिलिकॉन वेफर है सिलिकॉन क्रिस्टल है इसमें इसमें इम्प्यूरिटी के तौर पे हम ऐसे एलिमेंट मिला रहे हैं जिसका वेलेंसी तीन है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मिलाया गया हो सकता है बोरॉन मिलाया गया या फिर एल्यूमिनियम मिलाया गया इस तरह का एलिमेंट जो है इसमें इसमें इम्प्योरिटी के तौर पर मिलाया गया तो इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इसमें खास बात यह है कि ये जो इम्प्योरिटी है ये ग्रुप 13 एलिमेंट है प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 एलिमेंट से बना हुआ होता है ये सिलिकन जो है इसी का क्रिस्टल है लेकिन इसमें इम्प्योरिटी के तौर पे ग्रुप थर्टीन एलिमेंट का उसे इम्प्योरिटी के तौर पे मिलाया गया ग्रुप थर्टीन एलिमेंट के आ, के एटम्स को इम्प्योरिटी के तौर पे मिलाया गया लड़ से लड़ से कि वो जो एटम है इम्प्योर एटम जो है वो इम्प्योर एटम या जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी इस जगह पर है ये एटम जो है ये बोरॉन या एल्यूमिनियम का एटम है अब चूंकि इसका वैलेंसी तीन होगा तो इसका वैलेंसी तीन होने का मतलब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये तीन है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो इस जगह पे एक खाली जगह बनेगा यहाँ पर एक खाली सा जगह है जहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है रख के भले ये इस रीजन में नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आए आ जाए लेकिन यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर इसका ऑक्टेट फुलफिल होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और हमें पता है ऑक्टेट फुलफिल करके वो रीजन जो है वो वो जो पूरा सिस्टम है वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और यहाँ पर एक बनता है होल यहाँ पर एक होल बनता है So, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंप्योरिटी है यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो रहा इस तरह के जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है इसे कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर तो यह हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक इंप्योर सेमीकंडक्टर होता है या फिर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसकी खास बात यही है कि ये इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो वो वो एक इलेक्ट्रिकल एक कंडक्टिविटी में वो मदद करता है अब उसी तरह से अगर हम हम ग्रुप 14 एलिमेंट के क्रिस्टल में ही अस से सिलिकॉन क्रिस्टल में ही इम्प्यूरिटी के तौर पे ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर एग्जांपल फास्फोरस हो गया या फिर आर्सेनिक हो गया इस तरह के अगर एलिमेंट्स को इम्प्यूरिटी के तौर पे मिलाते हैं जो कि ग्रुप 15 ग्रुप 15 एलिमेंट्स है तो इसकी खास बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में सिलिकॉन तो ग्रुप 14 एलिमेंट है जिसका क्रिस्टल है यहाँ पर लेकिन इम्प्योरिटी के तौर पे थोड़ा बहुत अमाउंट में हम यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट को मिला रहे हैं तो इसकी खास बात यह है पहले तो मान लेते हैं कहाँ पर है वो लेड से लेड से इस जगह पर वो जो इम्प्योर आइटम है फॉस्फोरस का हो या फिर आर्सनिक का हो वो यहाँ पर है तो चूंकि इसका वैलेंसी पाँच है शेल में पांच इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर चार इलेक्ट्रॉन्स तो ये शेयर कर लेगा लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा रहेगा और इसका ऑक्टेट तो फुलफिल हो चुका है आठ इलेक्ट्रॉन्स है चार इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो पांचवा इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑक्टेट फुलफिल करके ये लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है तो पांचवा इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड नहीं कर पाता है बल्कि ये क्रिस्टल्स के बीच का जो गैप है उस गैप में ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है क्योंकि इसे पकड़ने वाला कोई है नहीं कोई न्यूक्लियस वैसा है नहीं जो इसे पकड़ के रखेगा तो यहां पर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाता है जो बड़े आसानी से मूव कर सकता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो ये भी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है इम्प्योर सेमीकंडक्टर है यहां पर जो है इस तरह के सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर ये भी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है तो इस तरह के सेमीकंडक्टर का बेनिफिट यही है ये यह जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है चूंकि इसे पकड़ने वाला कोई है नहीं क्रिस्टल्स के बीच के गैप से ये आसानी से मूव कर सकता है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है काफ़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है ऐसे केस में वेल अगर ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को एक साथ यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मान लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम वाइफर है या क्रिस्टल है उसमें एक तरफ इम्प्योरिटी के तौर पे पी टाइप मटेरियल और दूसरे तरफ एन टाइप मटेरियल को अगर डिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो यहाँ पर ये जो डिवाइस बनता है इस डिवाइस को कहा जाता है पी एन जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन डायोड इसकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ जाने में अलाउ करता है इसके कंडक्शन को अलाउ करता है जबकि दूसरे तरफ इलेक्ट्रिसिटी को ये रोक देता है करंट को ये रोक देता है ये इसकी खास बात है इसी तरह से दो पी पी टाइप मटेरियल के वेफर के बीच एन टाइप को अगर डिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो वो पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उसी तरह से दो एन के बीच पी टाइप मटेरियल को अगर डिफ्यूज़ किया जाए तो वो एन पी एन जंक्शन ट्रांजिस्टर बन जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसी तरह से अलग अलग तरीके से डिफ्यूज करके अलग अलग तरीक़े का मटेरियल बनता है जैसे कि मॉसफेट बनता है जेफेट बनता है वेल well, Uh, इसके इन सब डिवाइसेस के बारे में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में आप स्टैंडर्ड uh, ट्वेल्थ के फिज़िक्स के अंतिम भाग में जाकर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है वहाँ जाकर आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जैसे कि ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसे होता है ये जो पी जंक्शन डायोड है इसके पीछे का जो फिज़िक्स है वो क्या है किस तरह से वो काम करता है एल लाइट कैसे काम करता है उसी तरह सोलर पैनल कैसे काम करता है फोटो डायोड कैसे काम करता ऐसे ही बहुत बहुत सारी चीजें जो है आप उस चैप्टर में फिजिक्स के अंतिम भाग में जाकर आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमें आगे चल के जानना है आई होप कि केमिस्ट्री के लिए फिलहाल जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है इसके लिए आपने अभी तक जो देखा सुना पढ़ा ये सफिशियंट होगा उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये जो पूरा प्लेलिस्ट है इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगले वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा तो जल्द मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहें गड बाय